पता नहीं कितने वक्त बाद माँ के साथ बिना वक्त देखे बैठने का मौका मिला। छोटी छोटी शिकायतों की लिस्ट काफी लंबी हो गई थी। सबकी आराम से सफाई भी दे दी। कभी जिसके बिना दिन पूरा नहीं होता था वो किया। माँ की आवाज में अपने फेवरेट गाने सुने। माँ ने न जाने कब से जी भर कर गुस्सा नहीं किया और मैंने पेट भर कर डांट नहीं खाई थी। दोनों ही काम अच्छे से हो गए। हालचाल तो पूछ लेती थी पर कितने वक्त बाद इत्मीनान से बैठकर माँ से बातें की। अरसों बाद सही वक्त मिला तो मम्मी के साथ बिता लिया, क्योंकि दुनिया से दूरियां अभी बढ़ी हैं, पर इस बीच अपनों से जो फासले बढ़ गए उन्हें थोड़ा मिटा लिया। डाबर आमला, अपनी जड़ों से रिश्ता बनाओ। अपने लॉकडाउन टाइम को फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम में बदलिए। शेयर डाबर आमला चंपी स्टोरीज एंड टैग अस @#डाबर आमला चंपी मोमेंट्स।